अच्छा बच्चों, आपने ना फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा मेरा, उसमें आपने ऊपर का पहले का पार्ट पढ़ लिया होगा, अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं उसका आगे का पार्ट। तो आगे का पार्ट कहाँ से शुरू होता है हमारा? इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपन तातिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। मतलब इस स्वतंत्र, क्योंकि है ना, अंग्रेजों के पास क्या थे, आधुनिक हथियार थे, और उनके पास पैसे भी ज़्यादा थे और उनके पास सेना भी ज़्यादा थी, इसलिए ना ये लोग है ना ज़्यादा समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत वीरता के साथ लड़े, और लड़ते लड़ते इन्होंने हार नहीं मानी, उनके आगे झुके भी नहीं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनके नाम थे धुंधपंत तात्या। स्वतंत्रता महायज्ञ यहाँ कोई यज्ञ नहीं है, मतलब जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई ना उसी को कहते हैं, है ना, जिसमें चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सब शहीद हो गए। इनको 1800 स्वतंत्रता के शहीदों के नाम में शामिल किया जाता है, और ये बहुत वीरता के साथ लड़े थे। और इनसे क्या एक सीख लोगों के दिल में, एक जागृति मतलब बैठा के चले गए थे। कहते नहीं कि कोई ना कोई तो शुरुआत तो कहीं से होती है, तभी वो काम आगे बढ़ता है। तो इन्होंने एक लोगों के दिल में आज़ादी के प्रति चिंगारी भड़का दी थी, और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर दी थी अपनी स्वतंत्रता को लेकर, यानी नींव रखी जा चुकी। यहीं से भारत, कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता की नींव रखी गई थी, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अंग्रेज लोग तो क्या, उनको क्या बना दिया था, उनको दोषी बना दिया था, देशद्रोही बना दिया था, कि हाँ ये लोग है ना द्रोही हैं, देशद्रोही हैं, ऐसा उनको साबित करते थे। लेकिन वो अपने देश के लिए उन्होंने जान दी थी, वो शहीद थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। यानी इनकी जो, अब ये सब लोग तो क्या हो चुके थे, शहीद हो चुके थे, अब कौन बची थी, रानी लक्ष्मीबाई, और वो झांसी में अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी। और बहुत जैसे वीर पुरुषों की तरह, मैंने बताया ना मर्दानों यानी वीर पुरुषों की तरह, वो उनके सामने डटकर खड़ी हो गई, और उनके सामने लड़ने के लिए कौन था, लेफ्टिनेंट वाकर, जो उन अपनी सेना लेकर झांसी पहुंच चुका था। और खूब बहुत बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, और बहुत वीरता और शौर्य के साथ लक्ष्मीबाई ने उसका सामना किया, और वो बिल्कुल भी घबराई नहीं, बिल्कुल भी डरी नहीं, और डटकर उन्होंने उसका सामना किया। हुआ द्वंद्व असमानों में, मतलब बहुत, क्योंकि दोनों में असमानता थी और दोनों के बीच खूब बड़ा अच्छे से लड़ाई हुई, बहुत जमकर लड़ाई हुई। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, मतलब इतना वीरता के साथ लड़ी लक्ष्मीबाई, और उनकी जो वो महिला उनकी सेना थी, मतलब औरतें ही लड़ी थी सारी, क्योंकि पुरुष तो सब पहले ही लड़के ख़त्म हो चुके थे, तो उनकी जो सेना में थी वो स्त्रियां थी, और वो महिलाएं इतनी जोश के साथ लड़ी, इतनी वीरता के साथ लड़ी, कि जो वाकर आया था लड़ने के लिए लेफ्टिनेंट वाकर, वो जख्मी हो गया और उसको भागना पड़ा वहाँ से। बुंदले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, करसो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर,
गया स्वर्ग तत्काल सिद्धार्थ। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। मतलब रानी अब आगे बढ़ गई और कहाँ पहुँची, कालपी, ये भी एक जगह का नाम है एमपी में ही, तो वहाँ पहुँची वो। और इसके लिए उन्होंने कितना 100 मील का रास्ता पार किया, लगातार कंटिन्यूस अपने घोड़े को दौड़ाया 100 मील, 100 मील पार कर कर वो यहाँ पहुँची थी। लेकिन उनका घोड़ा था वो क्या हो गया था, इतना लगातार भागने से थक गया था और थक कर क्या जमीन पर गिर गया, और भूमि यानी जमीन पर गिर गया और सर तत्काल यानी तुरंत ही वो मर गया। तो गिरकर, क्योंकि वो इतना थक चुका था, लगातार कंटिन्यूस बिना खाए पिए इतना भागा वो रानी को लेकर, तो वो थक गया और गिरकर मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना, ये यमुना का किनारा था, और रानी फिर भी इतनी वीरता के साथ लड़ी अपना घोड़े को खोकर भी, क्योंकि वो उस घोड़े को बहुत प्यार करती थी, वो उनका प्रिय घोड़ा था जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ उनको जिताई थी। फिर भी रानी पूरे जोश और होश के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को फिर से उन्होंने एक बार हरा दिया, और अंग्रेजों को एक बार फिर उनसे हारना पड़ा। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अब वहाँ कालपी पर विजय प्राप्त करने के बाद वो फिर भी नहीं रुकी, ना थकी ना रुकी और ना हार मानने को तैयार, और उन्होंने किस पर अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदले हर मोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी रानी थी। उस समय ग्वालियर पे सिंधिया का राजा का साम्राज्य था, वो अंग्रेजों का दोस्त था, तो जब ग्वालियर पे रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया तो सिंधिया ने क्या राजधानी छोड़ दी थी, वो छोड़कर चले गया था। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुखी खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब विजय तो मिल गई रानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन वो इतना थक चुके थे, इतना उनका बहुत सारे उनके जो सैनिक और जो लोग थे वो युद्ध में मारे जा चुके थे। अब ऐसे में जो स्मिथ था, जनरल स्मिथ, वो फिर से अपनी सेना लेकर उनके सामने सन्मुख यानी उनके सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि पहले वो एक बार रानी लक्ष्मीबाई से हार चुका था और उसमें बदला लेने का गुस्सा था, वो रानी लक्ष्मीबाई से बदला लेना चाहता था, और लक्ष्मीबाई के साथ उनकी दो सखियां थी काना और मंदरा, ये भी बहुत वीर और शूरवीर थी, इन्होंने भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी थी और खूब अंग्रेजी सेना को नुकसान पहुंचाया था, जिससे स्मिथ गुस्से में था और वो इनसे लड़ने आ पहुंचा, पर पीछे रोज आ गया। जब स्मिथ हार गया, उसकी हार हो गई, पर लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि पीछे से रोज, जब स्मिथ हार गया और रानी लक्ष्मीबाई मतलब जीत गए ये लोग, तो ऐसे में हुरोज आ गया पीछे से और उनको घेर लिया। घिरी अब रानी थी, बुंदले हर मुलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह सक्कट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर बार। फिर भी देखो, हुरोज ने पीछे से घेर लिया, स्मिथ आगे से था, स्मिथ को हरा दिया, और उसके बाद भी हुरोज की सेना को भी वो मार काट करते हुए रानी ने उसको भी पार कर लिया, आगे बढ़ चली, लेकिन सामने क्या आ गया, एक नाला आ गया, और विषम यानी
विपरीत परिस्थितियां बन जाना। अब क्या हुआ, नाला आ गया और घोड़ा क्या था, नया था। वो घोड़ा उनके इशारों को, और इतना स्वामी भक्त भी नहीं था क्योंकि वो नया नया था, इसलिए वो क्या नाले को पार नहीं कर पाया और अड़ गया। उसने नाला पार नहीं किया और शत्रुओं ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी क्या थी, अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे, सबने मिलकर उन पर एक साथ वार किया और रानी क्या हो गई, घायल हो गई और गिर पड़ी। घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी एक शेर की भांति, चित्कार करते हुए दहाड़ते हुए वो गिर पड़ी और वो वीर गति को प्राप्त हुई, यानी वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुए तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सीधा चिता, उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वंशत्नता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी सिधार गई, यानी चली मर गई, यानी स्वर्ग को चली गई। और अब जो घोड़े पर सवार होकर पूरी शौर्य और वीरता के साथ जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अब उनकी सवारी क्या थी, चिता थी। दिव्य सवारी क्या थी, चिता थी। चिता पर चली गई वो, मिला तेज से तेज, यानी चिता जब आग की लपटें उठती है तो वो क्या होती हैं, बहुत तेज होती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई भी क्या थी, उनमें भी बहुत तेज था। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि एक तेज दूसरे तेज में विलीन हो गया और वो इसकी वास्तविक अधिकारी भी थी। और उनकी मात्र उम्र कितनी थी, 23 साल। और लेकिन जाते जाते वो हमारे दिलों में क्या भर गई थी, स्वतंत्रता की भावना जागरूक कर गई थी और सही में वो स्वतंत्रता की नारी थी। और हम सबको एक पाठ पढ़ा दिया था उन्होंने स्वतंत्रता का, और वही बाद में जाके धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी चिंगारी बन गया था। जाओ रानी याद रखेंगे हम, कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई हो चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदले हर मोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, सब मतलब अब वो लेखिका कह रही है, देखो ये जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है और वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। देखो किस तरह से कि रानी जाओ, सारे भारतवासी कृतज्ञानी आपके प्रति आभारी हैं और आपको हमेशा याद रखेंगे, और जो ये आपका बलिदान है वो हमें आगे स्वतंत्रता दिलाएगा, क्योंकि होवे इतिहास कभी छुपता नहीं है और वो हमेशा ही याद रखा जाता है। और चाहे झांसी को पूरी तरह से मिट जाए झांसी, चाहे फांसी लग जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन अब ये रुकेगा नहीं। ये जो आपने भारतीयों के दिलों में ये स्वतंत्रता की भावना जो जागरूक की है वो अब समाप्त नहीं होगी। और उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया और वो उनकी अमिट यानी बिना मिटी निशानी है, जिसको आज भी लोग देखने जाते हैं और कृतज्ञता से लोगों का सर झुक जाता है। एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों, तो बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदलों के मुँह से ये कहानी हमने सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, यानी जो पुरुषों की तरह लड़ी वे
झांसी वाली रानी थी। आया मज़ा बच्चों? बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। अब मैंने आपको स्टोरी बना दी, कविता के रूप में दी हुई है ये। हम ये अभी नहीं, हमने भी हमारे बचपन में ही ये कविता पढ़ी थी और इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो बच्चों ये हमारे स्वतंत्रता की शुरुआत की स्टोरी थी, जिसमें कि किस तरह से इन लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और किस तरह से एक महिला ने उनके आगे हार नहीं मानी और जमकर पूरी वीरता और पूरे अभिमान और पूरे जोश के साथ उनसे लड़ाई लड़ी। लेकिन वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, उन बाद में उनके साथी भी चले गए। दूसरा क्या था ना, ये जो क्रांति है ना, पूरी प्लानिंग के साथ शुरू नहीं हुई, अलग अलग समय पे है ना, अलग अलग जगह शुरू हुई ना, तो अंग्रेज़ों ने ना थोड़ा थोड़ा करके सबको दबा दिया, इसलिए ये लोग हार गए। लेकिन ये क्या रख गए थे, हमारी स्वतंत्रता की नींव रख गए थे और लोगों के मन में एक भावना तो धीरे धीरे आने लगी थी ना। इनको ये सब सुनते थे, जब इनकी ये कविताएं सुनाई जाती थी, इनके बारे में बताया जाता था, तो सुन सुन कर लोगों के मन में अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने की भावना तो कम से कम जागृत होने लगी थी। यानी ये क्या थी, नींव रख दी। इसीलिए इसे कहते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक बच्चों, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। पहले अच्छे से वीडियो को देखना, पढ़ना, समझना, बुक में एक बार रीड करना, उसके बाद पीडीएफ आएगी, पीडीएफ में से अच्छी अच्छी राइटिंग में क्वेश्चन आंसर करना, अच्छे अच्छे से करना। ऐसे कुछ बच्चे ना बहुत गंदा लिखते हैं। बच्चों राइटिंग तो सुधार सकते हो ना आप, अभी तो घर पे हो, अच्छे से लिखा करो। ठीक, चलो ये हमारा लेसन फिनिश हो गया।